नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मई मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनिए सीनी उठना, भूख लगी दूध पीले, चेहरे पर चिंता, आंखों में आंसू, रूंधे गले से बार बार। सुकुर मुनि अपनी 1.5 साल की बेटी को सहला रही थी, कभी प्यार से चूमती तो कभी सीने से चिपका लेती, बार बार उसके दिल की धड़कन को कान से लगाकर सुनती। सिनी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी ममता इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यह वाक्या बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 के एक पैदल पुल का है। एक महिला अपनी बेटी के शव को लेकर 8 घंटे से विलाप कर रही थी। झारखंड के चाईबासा आदिवासी इलाके की रहने वाली सुकुर मुनि गुवाहाटी ट्रेन से सुबह करीब 6 बजे यहाँ पहुँची। गर्मी के कारण भूख प्यास से माँ बेटी व्याकुल थे। स्टेशन पर सार्वजनिक स्टैंड से पानी तो मिल गया, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था। बच्ची कब चल बसी उसे पता ही नहीं चला। करीब 8 घंटे बाद समाज सेवियों की नज़र उस पर पड़ी तो बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ। जोधपुर जिले में प्रेमी युगल द्वारा मालगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि युवक और रिश्तेदार किशोरी देर रात अपने घर से निकले थे। दोनों बाइक पर खेड़ी सावला रेलवे स्टेशन के समीप रेल पटरियों पर पहुंचे और बाइक खड़ी कर मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया कि दोनों एक ही गांव के निवासी थे और परस्पर रिश्तेदारी में थे। लड़की नाबालिग है जबकि लड़का बालिग है। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने आत्महत्या के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। राजधानी के करनी विहार थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के परिवार को नेपाल निवासी नौकरों ने बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी के पूरे परिवार को बंधक बनाने के बाद नौकरों ने मकान के हर एक कमरे में सामान को बिखेर दिया और आभूषण, नकदी व अन्य कीमती सामान बटोरकर बदमाश मालिक की ही लग्जरी कार में बैठकर फरार हुए, जिसे 200 फीट बाईपास पर लवारिस छोड़कर किसी अन्य साधन से आगे निकल गए। पुलिस ने बताया कि डकैती की वारदात द्रोणपुरी कॉलोनी में व्यापारी मिथिली शरण के मकान में घटित हुई है, जहां घर में रहने वाले नेपाली मूल के 5 नौकर, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर में घुसे और परिवार के 5 सदस्यों को बंधक बना लिया, जिसमें एक 1.5 साल की मासूम भी शामिल है। इसके बाद बदमाशों ने हथौड़े और डंडों से व्यापारी के पूरे परिवार के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत 55 पदों पर सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव सीनियर, स्पेशल एग्जीक्यूटिव और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सहित कई अन्य पदों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर कैंडिडेट्स को GD इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। उदयपुर जिले की सवीना थाना पुलिस ने एक युवक को एक युवती और उसके साथियों के साथ हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए मांगने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती ने इस युवक से शारीरिक संबंध बनाकर अपने 2 अन्य साथियों के माध्यम से ब्लैकमेल कर 12 लाख रुपए मांगे थे। पुलिस ने बताया कि राजेश ने नेहा शर्मा, विजय परिहार, रमेश मेघवाल और हेमंत सालवी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि उनका नेहा शर्मा से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क हुआ और इसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगी थी। इस दौरान युवती ने फोन कर बलीचा की और एक कमरे पर बुलाया, जहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान आरोपी विजय परिहार और हेमंत सालवी आ गए। दोनों ने उसे धमकाया और 10 से 12 लाख रुपये मांगे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर पुलिस की DST टीम ने सदर पुलिस के सहयोग से नेशनल हाईवे पर स्थित जाखड़ों की ढाणी ग्राम पंचायत हाईवे पर स्थित सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस के कमरे में दबिश देते हुए IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने पर 3 स्टोरियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 38,25,000 के हिसाब की डायरियां में 6 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से बिलाल, आसिम और समीर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के बरनाहाली गांव के पास असंतुलित होकर एक बाइक फिसल गई। हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान बद्रीलाल निवासी मियाना गांव के रूप में हुई है। बद्रीलाल निमोला विद्यालय में कार्यरत था। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुट गई है।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा में सफल कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 मई को सुबह 7 बजे जिला पुलिस लाइन में किया जाएगा। इस दौरान चरित्र सत्यापन व मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य जांच की जाएगी। जीआरपी एसपी पूजा अवाना ने बताया कि जीआरपी अजमेर में कांस्टेबल भर्ती 2019 में सामान्य ड्यूटी के 124 एवं चालक के 10 रिक्त पदों के लिए लिखित तथा शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट तथा जीआरपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि चयनित कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण में भाग लेने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को जिला पुलिस लाइन में दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित 2-2 प्रतियां एवं मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। अजमेर जिले के अलवरगेट थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 8 पर एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 जनों की मौत हो गई, वहीं 4 घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि जयपुर से अजमेर लौटते वक्त कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने बताया कि गड्डी मालियान क्षेत्र में रहने वाले कुछ दोस्त जयपुर से अजमेर लौट रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 8 नरेली बाईपास पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में गड्डी मलियान के रहने वाले हरीश मुकेश की मौत हो गई। दोनों मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं सड़क हादसे में शैलेंद्र सिंह, ब्रह्मादत्त शर्मा, विनीत ठाकुर, गौरव उर्फ छोटू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस हादसा होने के कारणों की जाँच में जुट गई है। सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि महिलाओं ने किशनगढ़ रैनवाल निवासी राम सिंह उर्फ रणजीत को अपना निशाना बनाते हुए दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 2.5 लाख रुपये की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित और महिलाओं के बीच 1 लाख रुपये में समझौता हुआ था। पुलिस ने बताया कि मामले में नरंगी देवी, सुमन देवी और प्रेमी देवी को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिलाओं ने परिवादी को बार बार फोन करके खाटू श्यामजी बुलाया था। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।